तो कभी जो आपके जो परिवार से हैं, घर परिवार है, उन्होंने कभी आपको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश नहीं की? कोई कोई आयो अच्छा उनके उनको लगा कि इनकी आस्था ठाकुर जी के प्रति है, तो फिर क्या अच्छा ठाकुर जी में उन्होंने कोशिश की पर आप गए नहीं। सही भक्तों को राधे राधे। आज हम आप सभी भक्तों को एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो कि इस घनघोर जंगल में रहते हुए राधा रानी के प्रति और ठाकुर जी के प्रति जो है जप ध्यान तप इस स्थल पर रहकर करते हैं और जो कि बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संत हैं। यह आप सामने जो देख रहे हैं ना, एक छोटी सी जो पुराने समय की हवेली टाइप की है, इस जगह में रह करके महाराज जी लाडली जी के प्रति भजन करते हैं, जो कि आपको भी पता है कि मनुष्य जीवन सहज ही नहीं मिल जाता, इसके लिए हमें पता नहीं कई जन्मों के जो पुण्य हैं उनको एकत्रित करके जो है मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, तो उसी मनुष्य जीवन को पूर्ण करते हुए यहाँ महाराज जी आप देखेंगे तो इतने दुर्लभ हैं देखने में कि उनकी जो काया है उसको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी कि इतना शरीर की हालत ख़राब होने के बावजूद भी वह 5 घंटे 6 घंटे लगातार भजन करते हैं और उसके बाद निद्रा लेते हैं और उसके बाद फिर भजन में लग जाते हैं। तो आइए आपको उन्हीं दुर्लभ संत के दर्शन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आइए चलते हैं, कराते हैं महाराज जी के दर्शन। तो भक्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि अब हम जो है उस पुरानी जो है एक हवेली टाइप इस कुटिया के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ के जो दृश्य हैं आप देख रहे होंगे सामने कि किस प्रकार अपना वो जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने पुराने जो है कुछ कपड़े कुछ कंबल यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ कुछ बाँस वगैरह लगाए हुए हैं ताकि कोई भी जो है इस जंगल के अंदर जानवर भी होते हैं, कई पशु भी होते हैं, ताकि वो रात को आकर के यहाँ परेशान ना करें, भजन में जो है कोई विपदा पैदा ना हो, इसलिए ओट के लिए जो है यहाँ लगा दिए हैं। महाराज जी के पास ऐसा भी कोई साधन नहीं है कि वो इस जगह पर दरवाज़ा लगा सके, तो सोचिए एक संत को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ठाकुर जी के भजन ध्यान तप के लिए। एक इस दुनिया की भीड़ से निकल करके एक ऐसे स्थान को ढूँढना जहाँ एकांत हो, जहाँ पर दुनिया का शोर शराबा लालच मोह माया का असर ना हो। तो आइए हम चलते हैं सीधा संत की ओर और मिलवाते हैं आपको उन संत से जो कि इस घनघोर जंगल में रह करके मनुष्य के कल्याण के लिए जो है भजन ध्यान तप कर रहे हैं। हमारा यहाँ आप इस जंगल में यहाँ रह रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार ये किसका घर है? ये आपका ही बनाया हुआ है? फिर साल पीछे तो वो जयपुर राजा मानसिंह तो कम से कम 500 वर्ष। जयपुर के राजा जो मानसिंह राजा थे, आज से आप कहाँ से यहाँ पधारे? आप कहाँ से आए यहाँ पर? कलकत्ता से। कलकत्ता से सीधा यहीं आए या पहले बीच में कहीं रहे? तो कलकत्ता से आप यहाँ कैसे पधारे, यहाँ तक कैसे ब्रज में पहुँचे? रमेश बाबा की 84 कोस परिक्रमा से आयो। अच्छा, परिक्रमा करने आए थे? परिक्रमा आयो तो हमारा मन चाहिए दे धाम से रहेगा। अच्छा, मन करा? हाँ, पहले तो मान मंदिर रहेगा ऊपर से। अच्छा, मान मंदिर से तारपर दौनी कुंड रहेगा जी, दौनी कुंड और एस आएगा। एकांत में रह के आपका बड़ा मन लगता है भजन में? अच्छा, सुनो बाबा, सब कुछ छोड़ के तो बोझ से आयो हमारे कृष्ण भगवान को लिए। बिल्कुल, राधा को, राधा रानी को लिए, बस राधा रानी जी से लगन लगा करके आराम से उनके नाम का भजन करते हो बस यहाँ एकांत में रह करके। आपको जैसे कि रात्रि में यहाँ आप अकेले रहते हो तो आपको ऐसा कोई माहौल की वजह से डर वगैरह या कोई ऐसा जानवर वगैरह ऐसा कोई आपको डर वगैरह नहीं लगता? सब राधा रानी के भरोसे है, क्योंकि हम जैसे कि हम यहाँ आए थे तो हमने आकर देखा तो यहाँ एकांत में केवल यही बना हुआ है, इसके अलावा कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। आप बस एकांत में अकेले यहाँ पे हैं। कितने समय से महाराज जी आपका यह साधु जीवन चल रहा है? जैसे कि इससे पहले आप ग्रस्त में रहे थे या आपने साधु भी परिवार वगैरह कोई सब कुछ है? अच्छा, गाँव से छोड़ के? अच्छा, मतलब ठाकुर जी के प्रति सब कुछ वहाँ पर छोड़ करके आप यहाँ आकर के भजन करते हैं?
तो बच्चे वगैरह बीवी वगैरह भी सब आपका सब सब है, सब कुछ है, सब कुछ छोड़ के धाम से आए। मन लगता है ब्रज में? मुझे लगता है तो 8-9 साल हो जाएगा। अच्छा। कोई हम गांव से ना जाए, गांव से ना जाए इसमें। अच्छा, इसलिए गांव से कोई मिलने ना आ जाए इसलिए अकेले में बैठे हो यहाँ। आपके पास तो ब्रजवासी भी आते रहते होंगे मिलने आपको, आपसे थोड़ा भजन ध्यान बैठने आराम से यहाँ पे आपके साथ थोड़ा। अच्छा, तो कभी जो आपके जो परिवार से हैं, घर परिवार है, उन्होंने कभी आपको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश नहीं की? कोई कोई आयो। अच्छा। उनको लगा कि इनकी आस्था ठाकुर जी के प्रति है तो फिर क्या। अच्छा, ठाकुर जी में उन्होंने कोशिश की पर आप गए नहीं। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। अभी तो आप सुबह भिक्षा लेकर सुबह में लेते हो या कई कई दिन में, जैसे कि आप भिक्षा व्रती जो करते हो आप मधुकरी लेने जाते हो रोजाना? सामान बहुत आटा। अच्छा, आप खुद बना लेते हो यहाँ? हाँ, जैसे कि यहाँ चूल्हा बना हुआ है। चूल्हा फूला है, कभी कभी जब वैसे नहीं मधुकरी के लिए जाते हो। मधुकरी हमारा जब सामान खत्म हो जाए तो जाएगा, तो सामान नष्ट हो जाएगा। राधा रानी के पास सब भरपूर है, एकदम कमी नहीं आने देती प्यारी जी। जैसे कि आपका सुबह के समय से कब, मतलब सुबह से लेकर के कब तक आप भजन ध्यान में ठाकुर जी के प्रति, मतलब जैसे कि एक थकावट हो जाती है शरीर में, विश्राम जो करते हो आप, तो भजन कितनी कितनी देर तक आप भजन करते हो और कितना समय विश्राम करते हो? विश्राम 5-6 घंटा बस, बाकी टाइम भजन। क्योंकि कहा भी गया है कलयुग में तो केवल ठाकुर जी के नाम का ही सहारा इतना है कि भगवान से मिला दे। 24 घंटे में 5-5 घंटे 6-6 घंटे ठाकुर जी के प्रति ऐसी आस्था में डूबे रहते हैं 5-6 घंटे, इसकी तो फिर लीला ही अलग हो जाएगी वो, क्योंकि ठाकुर जी के नाम का स्मरण ही बहुत हो जाता है। तुम्हारा ये जंगल के अंदर यहाँ जो है ये बिजली का कनेक्शन कितनी दूर से कैसे आपने लिया, परेशानी नहीं हुई आपको लेने में? यहाँ बिजली लगा हुआ है इसमें। हाँ, तो वहाँ से आप कितनी दूर से यहाँ बिजली लाए, तो परेशानी नहीं हुई आपको लाने में? यहाँ से किस प्रकार बिजली लाई? ब्रजवासियों का सहारा रहा। ब्रजवासी मुझे शिक्षरी मोहन बाबा है जी, कन्हैया बाबा है। अच्छा। वो बिजली बोर्ड से काम करते। अच्छा अच्छा, वो बताए बाबा मतलब साधु सेवा बहुत से। साधु सेवा के साधु सेवा बहुत सुंदर भाव। अच्छा, अभी जैसे कि आप रोजाना परिक्रमा भी जाते होंगे या कभी कभी जाते होंगे? जाना परिक्रमा ना जाए। अच्छा, परिक्रमा परिक्रमा ना जाए हमारा परिक्रमा सुनो, वो राजमंड है ना। हाँ, राजमंड से परिक्रमा दिया। अच्छा, हमारे ऋषि माता है तुलसी मैया, वो परिक्रमा दिया। हाँ, मतलब मन में भाव होना चाहिए आप थोड़ी सी परिक्रमा में, बस वही में ठाकुर जी है अपना। अरे बाबा सुनो, ये बुद्धधाम से सर्वत्र हमारा कन्हैया राधा रानी है। बिल्कुल है। तो हम यार उतने दूर कहीं जाए, ये हमारा कच्चे है। कड़कड़ में ठाकुर जी विराजे थे। बिल्कुल यार, की है अभी यहाँ की लता पता और जो भी कुछ सब जगह है ठाकुर जी है। तो अगर आपको थोड़ा सा चैनल के माध्यम से इस जगह को दिखाएंगे, इस महाराज किस प्रकार इस आप जैसा कि देख रहे हो राजा के महल है ये, तो यहाँ का आसपास का लुक भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कितना पुराना बना हुआ है और उस समय से लेके जो है 500 वर्ष से हो चुके हैं, 500 वर्ष से हो चुके हैं, तो जब से लेके अभी तक ये बना हुआ है अगल बगल से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि राजा मान सिंह के समय का ये बना हुआ है। इस अकेले जंगल में के अंदर जो है एक साधु संत का ये निवास, तो यहाँ महाराज जी की ये छोटी सी कुटिया है, इस छोटी सी कुटिया में महाराज जी जो है भजन ध्यान तप
और ठाकुर जी के प्रति आस्था में यहीं इसी स्थल पर रह करके करते हैं और यहीं पर विश्राम करते हैं। तो यही थे आज के जो महाराज जी के जो जीवन की लीला, और भी ऐसी लीलाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्तन को राधे राधे।